हे गाइस, आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज जो कि काफी ज्यादा बड़ी आई थिंक उसके बारे में, जो कि क्रेग राइट है जिन्होंने पहले भी काफी ड्रामे किए हैं, जो कि बिटकॉइन एसवी के ओनर है, जिन्होंने बिटकॉइन एसवी बनाया है, जिन्होंने ये भी बहुत बार बोला है कि वो ही ओरिजिनल सतोशी नाकामोटो है, जो कि ओरिजिनल ओनर है बिटकॉइन के, फिर जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया ओरिजिनल बिटकॉइन को। सो यहाँ पे इन्होंने जो है वो कॉपीराइट रजिस्टर कर दिया है बिटकॉइन के ओरिजिनल बिटकॉइन के व्हाइट पेपर और उसकी कोडिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस कॉपीराइट ऑफिस के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन की है कि वो ही जो है ऑथर है इसके, वो ही ओनर है व्हाइट पेपर के। बट इन्होंने यहाँ पे भी बोला है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है, मतलब जो बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कॉपीराइट रजिस्टर कर दो तो आप उसके ओनर हो जाओगे, वो इंप्लीमेंट नहीं करता। बट यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनल सतोशी नाकामोटो है, अगर ये नहीं है तो वो बीच में यहाँ पे आए, नहीं तो क्रेग राइट जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे चला सकता है, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं ही ओरिजिनल सतोशी नाकामोटो और मैंने सब कुछ बनाया। तो यहाँ पे वो तो शुरू से पीछे पड़ा हुआ है कि बिटकॉइन एसवी जो है वो ही ओरिजिनल है, उसी को मैं आगे लेके चलूंगा, वही विजन है सब कुछ। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन है इसको कहीं ना कहीं वो नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। एंड आपने देखा जैसी ये न्यूज आई, मतलब बहुत बड़ी न्यूज है, तो बिटकॉइन एसवी जो है वो काफी ज्यादा पंप हुआ, अभी भी 61% पंप है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो काफी ज्यादा पंप हुआ था ये। यहाँ पे अगर हम वन डे का चार्ट खोलें तो ऑलमोस्ट 120-130% तक जाके आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं $132 के ऊपर जाके आया, जबकि इसका पहले प्राइस चल रहा था $60 के अराउंड, यानी कि 120% के आसपास ये पंप हुआ जैसे ये न्यूज आई, और अभी भी 60% के आसपास पंप है। तो देखने वाली बात है कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या कोई बीच में आता है, क्या कोई बोलते हैं कि मैं ही ओरिजिनल जो सतोशी नाकामोटो। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने रजिस्टर वगैरह किया है। तो ये काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है, एंड काफी ज्यादा वो भी है कि कौन इसका ओरिजिनल, क्योंकि काफी टाइम से लास्ट के 10 साल से ये चल रहा है कि कौन किसने इसको बनाया है, फिर कौन इसका ओनर है, फिर किसने पूरा का पूरा क्रिएट किया है। तो अब वो टाइम आ गया है जब पता लगे कुछ कि कौन इसका ओनर है, फिर कहां से क्या चीज आ रही है। बट आई होप ऐसा कुछ ना हो कि यही इसका ओनर निकले, क्योंकि यहां पे किसी ना किसी तरीके से बिटकॉइन एसवी को ही आगे ले जाने के लिए करेंगे, और उसको बिटकॉइन जो ओरिजिनल है उसको कैसे ना कैसे पीछे ले धकेलने की कोशिश ही की जाएगी। और यहां पे इसी के साथ साथ और बीएनबी कॉइन की बात करें तो बीएनबी कॉइन भी काफी पंप हुआ। बिटकॉइन जो बीएनबी है उन्होंने अनाउंस किया कि 2.0 वर्जन अपना लाने वाले हैं। अब ये हो सकता है लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर हो सकता है, अपने डेक्स की बात कर रहे हो तो मेरे को जितना लगता है वो हो सकता है मार्जिन ट्रेडिंग इनेबल करने वाले हैं जल्दी, जिसकी वजह से भी प्राइस जो है काफी ज्यादा स्पाइक हुआ। एंड मैं आपको ये भी बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि आप जरूर बाय करके रखें ताकि आप आईसीओ के अंदर भी बाय कर पाए चीप प्राइस पे। उस टाइम प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 35K के अराउंड, एंड अभी इसका काफी ज्यादा पंप हुआ और 42K के अराउंड ये जाके आया काफी अच्छी अमाउंट के अंदर, यानी कि एकदम से ही पंप हुआ। एंड इसी के साथ साथ बिटफिनिक्स जो है उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो जल्दी ही आईओ अपना सिस्टम लेके आएंगे जिसका नाम है टोकेनिक्स। तो जैसे बिटकॉइन का बाइनांस का बाइनांस लॉन्चपैड है, क्यूकॉइन का क्यूकॉइन स्पॉटलाइट है, वैसे ही अपना लेके आ रहे हैं टोकेनिक्स, और जो कि 23 मई को ये अपना फर्स्ट वहां पे आईओ अनाउंस करेंगे, एंड 12 जून आई थिंक वहां पे फर्स्ट जो है उसकी रहने वाली है सेल। बाकी जो मेन न्यूज थी वो यही थी क्रेग राइट वाली, देखने वाली है। और हो सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिले, चांसेस रहेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि बिटकॉइन एसवी जो है पंप हुआ, एंड इससे जो बिटकॉइन को है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेंजर लोग महसूस करेंगे कि बिटकॉइन जो है खतरे में आ सकता है अगर इसी को ही सब कुछ अथॉरिटी मिल जाती है ऑन बिटकॉइन। सो देखते हैं क्या इसका रहने वाला है, क्या कुछ इसके बाद लेटेस्ट न्यूज रहने वाली है। लेकिन बहुत गलत काम है, लास्ट जब आपने आपको पता हो तो $6,000 जब बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था तब भी इसने कुछ पंगा किया था, एंड बिटकॉइन का प्राइस एकदम से ड्रॉप हुआ मार्केट में, इतनी बुरी बेरिश मार्केट आई और वो इतनी ज्यादा डाउन चली गई, $3,300-$3,400 तक प्राइस चला गया। तब भी इन्होंने ये किया था कि जो बिटकॉइन है ओरिजिनल बिटकॉइन है वो फ्रॉड है, या फिर बिटकॉइन कैश जो है वो फ्रॉड है, ओरिजिनल जो सब कुछ है वो बिटकॉइन एसवी ही है, और अब वापस ये स्टार्ट हो गया। आई जस्ट होप कि इस बार मार्केट के अंदर बियर मार्केट ना आए, मुश्किल से मार्केट इतनी ऊपर उठी है, जस्ट कि ऐसा कुछ भी ना हो वापस। बट आप बताइए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में, क्या क्रेग राइट जो है वो ही ओरिजिनल सतोशी नाकामोटो है या फिर इसको ही अथॉरिटी मिलनी चाहिए, आपका क्या सोचना है इस बारे में प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। एंड ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, अगर कोई अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी आईओ के ऊपर या फिर किसी और चीज के ऊपर तो मैं भी वो वीडियो आपको बना के दे दूंगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मेरे साथ रनिंग करते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून, जय हिंद।